अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों के रोज़े बहुत ही अच्छे जा रहे हैं और काफ़ी ही मज़ा आ रहा है इफ्तारी में, सहरी में। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इफ्तारी में मैंने फ़्राइज़ बनाए हैं और समोसे बनाए हैं, साथ में चटनी और पकौड़े वगैरह, और मिल्क शेक बनाया है बच्चों के लिए। और सब चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाई हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में खाई भी नहीं जाती हैं। और फिर बच्चों की मोस्ट फेवरेट तो ये चीज़ें होती हैं, चिकन नगर्स और साथ में फ्राइज़ और समोसे, और ये चीज़ें बच्चों की मेन होती हैं जो कि वो खाना पसंद करते हैं, तो इस वजह से मैंने ये बनाई। और इसके बाद मैं आपको सहरी की रूटीन शेयर कर रही हूँ। और सहरी में आप लेमन देख सकते हैं, योगर्ट देख सकते हैं, और साथ में सैलेड देख सकते हैं लेमन के साथ। तो ये सब चीज़ें सहरी में होती हैं हमारी, क्योंकि सहरी में हमारी ये होती है कोशिश कि हम लोग लेमन वगैरह ज़्यादा पिएँ, ताकि सारा दिन जो रोज़ा है वो हमें ना लगे। और वैसे भी सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान की निस्बत कम गर्मी होती है, और वहाँ पे तो काफ़ी ओपन माहौल होता है, इस वजह से सेहन होते हैं बड़े बड़े, और गर्मी की शिद्दत भी महसूस होती है, जिसकी वजह से प्यास भी लगती है। और यहाँ पे तो फिर कंपाउंड वगैरह होते हैं। और यहाँ मैंने बच्चों के लिए छोटा सा टॉय भी रख लिया था, और साथ में उनका जो टॉय था किंडर जॉय में से निकला, वो भी रख दिया, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं कि हमारे लिए कोई टॉय पड़ा है टेबल पे, और रमज़ान की फीलिंग उन्हें भी महसूस हो। और ये जी डेट्स हैं, काफ़ी फ्रेश डेट हैं सऊदी अरेबिया की, काफ़ी ही मज़े की डेट्स होती हैं। और ये डेट्स मैंने रखी थी और आप लोगों को भी दिखा दी हैं मैंने इस वक्त। और इसके बाद जी सहरी का टाइम हो गया था एंड, और फिर मैंने सहरी के बाद नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत की, क्योंकि सहरी के बाद खाने के बाद हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती, और ज़ाहिर है काफ़ी स्टमक फुल होता है। तो अच्छी एक्सरसाइज तो यही है कि नमाज़ और कुरान पढ़ा जाए, तो बस मैंने भी यही किया। और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।